जम्मू कश्मीर के सुपोर में बदला माहौल। एप्पल टाउन के नाम से मशहूर है सुपोर। इस बार बहिष्कार के बजाय वोट डालने के लिए उत्साहित हैं लोग। सुपोर एशिया की बड़ी फल मंडियों में से एक। सालों यह इलाका बंदूक, हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों से प्रभावित रहा। इस वजह से वोटिंग बहुत कम होती थी। स्थानीय लोग बार बार चुनाव का बहिष्कार करते थे। अब गूंज रही है जमहूरियत की आवाज। 37 साल बाद पहली बार दिख रहे राजनीतिक दलों के झंडे। लोग बढ़ती बेरोजगारी और नशीली दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल से खफा। वेलकम टू एप्पल टाउन। इस बोर्ड के साथ ही सुपोर में शुरू हो जाते हैं सेब के बगीचे। हंदबड़ा, लंगेट, बारामूला व गुलमर्ग के आसपास के इलाकों में भी सेब के बाग भरपूर हैं। लेकिन इस पहचान के साथ ही यह इलाका कश्मीर में चुनाव बहिष्कार की शुरुआत करने के इलाके के रूप में जाना जाता है। यहाँ ऐसा भी हुआ है कि कई पोलिंग स्टेशन पर एक वोट तक नहीं पड़ा। वर्ष 2001 में संसद पर हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु भी यहीं से निकला था। इन्होंने सब अपने घरों को अपनी आबियारी की है। हमें कोई फायदा नहीं मिला किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। सो इन्होंने यही हो गया, यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो गई। पावर इनको पावर ने करप्ट कर दिया। इस बार आप जब वोट करने जाएंगे तो किस उम्मीद से जा रहे हैं और क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोट करने, क्या चेंज की उम्मीद कर रहे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं बस सुख शांति हो और डेवलपमेंट हो कश्मीर की। चेंज कुछ नहीं आया चेंज। जो चेंज आया तो रास्ते में वॉशरूम बनाया, रास्ते में विंडर्स वाले सब बेचारे रास्ते पे होता है। अगर इनके लिए 6 फुट का दुकान होगा तो ये दुकान पे बैठेगा। आप देखो कितने विंडर्स वाले रेडू पे सड़क पे बैठते हैं, मगर कुछ काम ही नहीं हुआ। बीजेपी सरकार ने कुछ काम दिया तो वो मगर रास्ते पे दिया, रोड पे दिया। अगर उन जगहों पे विंडर्स वाले बैठेगा। हमारी जो नौजवान है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बेरोजगार है एंड वेल एजुकेटेड बंदे हैं यहाँ पे। और मैं अगर मंडी की बात करूंगा, मंडी के अंदर वो ऐसे काम कर रहे हैं हमारे नौजवान जो कि MSc, MA, BEd, PhD कर चुके हैं और वो मंडी के अंदर मजदूरी कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे ठीक हो जाए, यहाँ पे जो है नौजवानों का काम हो जाए, अच्छे से काम हो जाए, यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाए। और यहाँ पे सबसे मेन इशू जो है यहाँ पे जो ड्रग्स है, यहाँ पे 90% ड्रग जो है वो हमारे यूथ के अंदर अभी पाया जा रहा है। और हमारे यूथ जो है इस चीज के अंदर जो डिप्रेशन के अंदर हो जाते हैं, स्ट्रगल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उनके लिए। बहुत से हुक्मरान आए यहाँ पर, उन्होंने वादा किया सोपोर को हम बनाएंगे। सोपोर तो जैसा 47 में थे आज भी वही है। जो 90 में हालात थे वही हालात इस टाइम भी। फर्क इतनी थी उस वक्त पत्थरबाजी हो रही है, आज पत्थरबाजी नहीं हो रही, मगर हालात वैसे जैसे उस टाइम फौज का दबदबा कायम था, इसी टाइम आज भी फौज का दबदबा है। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी हमें ड्रग्स की, हमारे बच्चे यहाँ मर रहे हैं ड्रग्स की वजह से। ये तो सिर्फ हुक्मरानों की मेहरबानी की वजह से। बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है मैम, ये मैं मानता हूँ मेरी राय की इलेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रीजनल पार्टी बनेगी एक ही नहीं बनेगी। इसका यही होगा कि एक साल चलेगी, कोई दूसरा हिमायत वापस लेगा तो फिर वही LG रूल यहाँ पे शुरू हो जाएगा, मेरा मानना है। मैं जो 20-25 सालों से यहाँ आई कार्ड लेके कश्मीरी घूमते थे 8 बजे से पहले, वही हाल आज भी है। आज भी यहाँ आई कार्ड के बगैर बंदा नहीं जा सकता है बाहर, जैसे कि बाहर के स्टेट्स में जा सकता है। रात भर काम जैसे बाहर चलता है यहाँ भी होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ी है, हालात वैसे की वैसे। यहाँ ऐसा भी हुआ है कि पोलिंग स्टेशन पर वोट एक भी ना पड़े। फिलहाल अब यह इलाका इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ 1987 यानी 37 साल बाद पहली बार राजनीतिक दलों के झंडे दिख रहे हैं। जमहूरियत की आवाज गूंज रही है। एक पीढ़ी तो ऐसी है जिसने यहाँ कभी चुनाव नहीं देखा। सेकेंडरी स्कूल के पास तिराहे पर 6 साल पहले एक क्लॉक टावर बना था, अब यही क्लॉक टावर तिराहे की पहचान हो गई है। बदलते वक्त के साथ यहाँ के हालात बदल रहे हैं, अब यहाँ शांति का राज कायम होने लगा है।
सुपौल के ज्यादातर लोग सेब के कारोबार से जुड़े हैं। इस बार चुनावी मौसम में यहां के वोटर चुनाव बहिष्कार वाली परंपरा को तोड़ने के लिए उत्साहित हैं। मुद्दों की बात करें तो यहां के लोग चाहते हैं कि आने वाली सरकार सेब के कारोबार में सहूलियत बढ़ाने पर ध्यान दे। सेब के कारोबार से जुड़े मुद्दों के इतर स्थानीय लोग बढ़ती बेरोजगारी और नशीली दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल से खफा हैं। बता दें कि संपन्न आर्थिक क्षेत्र होने के बावजूद सुपौल को कभी भी जिले का दर्जा नहीं मिल सका। कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सुपौल की अहम योगदान को देखते हुए कुछ लोग चाहते हैं कि सुपौल को जिले का दर्जा मिले। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।